गुरबत की भी नजरें उठे आशाएं मुश्किल पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। आज हम आपको लेकर आ चुके हैं फरीदाबाद के गांव अनंगपुर में। वैसे तो अनंगपुर गांव अपने आप में कई सारी विशेषताएं समेटे हुए हैं। अगर हम बात करें नेता या राजनेताओं की तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता अवतार सिंह भड़ाना भी इसी गांव से हैं और भी काफ़ी सारे नेता हैं जो इसी गांव से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें मंदिर की पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर कश्मीरी मंदिर भी इसी गांव के अंदर है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस गांव की विशेषताओं को दर्शाती हैं। और एक नाम अब फिर से जुड़ रहा है जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में स्टेट लेवल पर अपना दमखम दिखाया है। हालाँकि शरीर से थोड़ा अशक्त होते हुए भी उन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी सारी उपलब्धियाँ प्राप्त की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिफरेंटली एबल क्रिकेटर राजेंद्र भड़ाना जी की। अब थोड़ी देर में वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से शरीर से थोड़ा अशक्त होते हुए भी उन्होंने अपना स्टेट लेवल पर क्रिकेट की दुनिया में अपना दमखम दिखाया है। तो चलिए मिलते हैं उनसे। क्रिकेट का करियर में मैंने फरीदाबाद से अपने हरियाणा से स्टार्ट किया था खेलना। सबसे पहले मैं अपने जो क्रिकेट जो खेला था, मैं शुरू में जर्नल लोगों के साथ पाँचवीं क्लास में खेला था। वहाँ से मैंने अपने खेल की शुरुआत की थी। लेकिन मेरे को ये नहीं था कि तू एक जर्नल के साथ खेल रहा है। ऐसा होने के बाद भी मेरे को ऐसा कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैं ये खेल खेल सकता हूँ। इसलिए मैं यहाँ वहाँ से मैंने क्रिकेट की शुरुआत की। उसके बाद मैंने फरीदाबाद से हरियाणा क्रिकेट डिसेबल से शुरुआत की। मैं कई जगह बाहर राष्ट्रीय पे खेल के आया हूँ, जैसे महाराष्ट्र, यूपी, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली और अपने स्टेट में खेला हूँ। नहीं मैं ऐसे हमने कोई ऐसी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई कि मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम आई कि हाथों की वजह से मैं खेल नहीं सकता, किसी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। हम में जो शक्ति है वो है कि हम अपने ऊपर हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि हम खुद कर सकते हैं। ये चीज़ हमने अपने दिमाग में नहीं सोची। हम तो ये सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा कोई कर भी नहीं सकता। एक जर्नल जो होते हैं वो भी इतना बढ़िया नहीं खेलते जितने बढ़िया मैं खेल सकता हूँ और कर सकते हैं। तो आपके अंदर ये प्रेरणा कहाँ से आई, कौन आपका प्रेरणा स्रोत रहा जिससे आपको लगा कि हाँ आप क्रिकेट की दुनिया में कुछ कर सकते हैं? मैंने खुद नहीं यहाँ से इसकी प्रेरणा मेरे अंदर से ही थी कि मुझे खेलना है, कि ये खेल खेलना है मुझे। मेरा दूसरा कोई खेल नहीं था। एथलीट भी थी मैं, वहाँ पे भी गया था लेकिन उसमें मैं सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन मैंने क्रिकेट ही ज्वाइन की, इसमें मैं सक्सेस हुआ। और इसमें जो मेरे गेल के हरियाणा प्लेयर थे उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, जैसे अमित भाई हुए, विकास हुआ, हमारा अगवानपुर का भाई है वो मेरे को जहाँ भी हमारा मैच होता है हमारे को लेके जाता है और यहाँ छोड़ के जाता है। बहुत सपोर्ट किया हमारे गेल के प्लेयर ने मेरे को। तो बहुत पहली सपोर्ट बार किया। आपने कब खेला? मैम पहली बार मैंने 2010 में खेला था, 2010 में नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम में पहला मैच मैंने वहाँ खेला था। उसके बाद ही मैंने शुरुआत की थी इस क्रिकेट की। क्या अपने अचीवमेंट रही हैं आपकी? मैम मेरी मेरिट महाराष्ट्र में थी, वहाँ पर मैंने महाराष्ट्र में फाइनल में थे हम, वहाँ पे मैंने 4 ओवर में 4 विकेट लिए थे, 17 रन दिए, वहाँ सबसे बेस्ट बॉलिंग थी मेरी। जैसा कि आपने बताया कि आपने कम से कम लगभग 50 मैच तो ऐसा कोई मैच जो आज भी आपके जहन में है और जब भी आप इसको याद करते हैं तो आपको एक अच्छी फीलिंग आती है, बहुत खुश महसूस करते हैं? वो मैच हमारा नाहर सिंह का था मैम, जो जिसमें मुझे बहुत वो आता है मजा। वहाँ पे मैंने 5 विकेट लिए थे, यहाँ गुजरात की टीम आई थी, 5 विकेट लिए थे हमने उसमें। वो मैच मुझे बहुत याद है। उस टीम को हमने 62 रन पे हरा ऑल आउट कर दिया था। हमारे 64 रन थे और उस टीम को हमने 62 रन पर ऑल आउट कर दिया था। उसमें मैंने 5 विकेट लिए थे।
वो मैच बहुत जी। और जो उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो शरीर से बिल्कुल ठीक हैं लेकिन फिर भी जहां आप पहुंचे हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं, किस चीज़ की कमी रह जाती है उन लोगों में, क्या कहना चाहते हैं? मैम ये तो उनकी सोच है कि वो ये सोचते हुए अपने शरीर पे कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो ये नहीं सोचे ना कि हम नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। उनकी सोच थोड़ी वैसी नहीं नया, वो कर सकते हैं, हमसे भी ज्यादा बेस्ट कर सकते हैं। और जो क्रिकेट है आज उसको आप कहाँ देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि और भी काफी जो यंग जनरेशन है काफी आगे बढ़ के चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही है, और हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ से बहुत ज्यादा खिलाड़ी निकल कर सामने आते हैं, चाहे वो किसी भी आप गेम की बात कर लें, तो उसको आप कहाँ देखते हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ के लड़के अभी हमारे दो भाई है वो हरिंदर और अमित DPL 2 में छठे है, वो हम भी चाहते हैं कि हम भी आगे जाके छठे, हमारा भी सिलेक्शन हो। और हम तो यही कहते हैं कि हरियाणा डिसेबल क्रिकेट टीम का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें खेलने का मौका दिया और आगे भी खेलने का मौका देगी। और हमारे जो दो भाई अमित और हरिंदर उनका सिलेक्शन हुआ, हम तो यही कहेंगे दिनेश कुमार सैनी को उनका बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने हमारे भाई को मौका दिया खेलने के लिए। अभी आप आगे क्या विजन लेके चल रहे हैं, क्या चीज़ें रह गई हैं जो आपको अचीव करनी है? मैम यही है मेरा एक लक्ष्य यही है कि मेरे को इंडिया खेलना है। हाँ, तो उस इंडिया खेलने की आप बात कर रहे हैं तो आप उस पर कितनी मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि एक एम होता है उसको पाने के लिए जी जान लगाकर इंसान मेहनत करता है, तो आप उस पर कितना ध्यान दें? मैम पूरी मेहनत कर रहे हैं हम उस पर, यही है कि लास्ट हमारा कि इंडिया खेलना है और मेहनत कर रहा हूँ मैं। और मेरी ज़्यादातर यही रहती है कि मेरे को विकेट नहीं, खाली अपने चार ओवर, अपने जो चार ओवर का स्पेल है वो खाली निकालना है मेरे को, विकेट नहीं लेने। प्रैक्टिस करते हैं यही अपने गांव में ही। गांव में करते हैं। अब तो गांव में नहीं, तो अब तो बीच में हम स्लेजहैमर में जाते थे प्रैक्टिस। हाँ जी, स्लेजहैमर का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें वो खेलने का मौका देते अपने ग्राउंड पर, और इतने अच्छे ग्राउंड पर खेलने का मौका देते और बढ़िया फैसिलिटी देते हैं वो लोग। मैम वो पूरा सपोर्ट करती है, वो अपनी टीम से हमें मैच खेलने के लिए देती है और पूरा वो सपोर्ट करते हैं। वो जो प्रदीप सर है, प्रदीप सर पूरा सपोर्ट करते हैं हमको और सब चीज़ की फैसिलिटी देते हैं और ग्राउंड देते हैं। अपना एक मैच छोड़ के हमारी टीम को मैच खिलाते हैं अपनी टीम से। तो लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? यही संदेश है कि हमारे जो डिसेबल भाई है वो कमज़ोर ना समझे अपने आप को, आगे निकल के आए हो। हम अपने पिंटू भाई का भी धन्यवाद करना चाहते हैं जिसने क्रिकेट की शुरुआत की थी, उनका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और अपने कोच राजकुमार सर का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, वो हम नर्सिंग में प्रैक्टिस करने जाते थे और हमें अपना पूरा समय देते थे कोचिंग में। मैम वो पूरा सपोर्ट करती है, वो अपनी टीम से हमें मैच खेलने के लिए देती है और पूरा वो सपोर्ट करते हैं। वो जो प्रदीप सर है, प्रदीप सर पूरा सपोर्ट करते हैं हमको और सब चीज़ की फैसिलिटी देते हैं और ग्राउंड देते हैं। अपना एक मैच छोड़ के हमारी टीम को मैच खिलाते हैं अपनी टीम से। तो आप सुन रहे थे राजेंद्र भड़ाना जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की। शरीर से थोड़ा अशक्त जरूर है लेकिन उनके अंदर इतना हौसला है, जज्बा है, जो उनका लक्ष्य है वो उनको उसको जरूर हासिल कर सकते हैं। और उन्होंने और भी लोगों को संदेश दिया है कि किस तरीके से अगर उनके पास कोई एम है, कोई लक्ष्य है, तो जरूर उस पर मेहनत कर उसे हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ऐसी और भी शख्सियत से हम आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ।